आज की वीडियो में मैं आपको टाइफाइड का ऐसा ज़बरदस्त इलाज बताऊंगी जो ना तो आपने कभी सुना होगा ना ही किसी ने आपको बताया होगा। अगर आपने बहुत सारी दवाइयां कर ली हैं, ट्रीटमेंट करवा लिए हैं, देसी विदेशी और घरेलू नुस्खे सब आजमा लिए हैं, फिर भी आपका टाइफाइड ठीक नहीं हो रहा है, तो इस नुस्खे को आजमा के आपका टाइफाइड 101% जड़ से ख़त्म हो जाएगा, दोबारा कभी भी नहीं होगा, गारंटी के साथ कहती हूँ। अगर आपको इस नुस्खे से भी आराम ना आए तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। मैंने पहले एक वीडियो अपलोड कर रखी थी टाइफाइड के ऊपर, उसमें मुझे इतने कमेंट आए, इतने लोगों ने कमेंट किए, जो लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, लोगों ने कहा कि मैम हम 10 साल से टाइफाइड से परेशान हैं, दवाई लेते हैं तब तक आराम रहता है, दवाई छोड़ देते हैं या कोई इसका जो कोर्स होता है इंजेक्शन लगते हैं वो भी लगवाते हैं तो फिर हम कुछ महीनों के लिए ठीक होते हैं, लेकिन फिर हमें 2 से 3 महीने के बाद टाइफाइड हो जाता है। हर तरीके के नुस्खे दवाइयां आजमा ली हैं लेकिन हमारा टाइफाइड ठीक नहीं हो रहा। एक मेरे प्यारे व्यूवर्स ने तो ये तक लिख दिया कि मैम मैं तो अब मरना चाहता हूँ, मैं ज़िंदा भी नहीं रहना चाहता हूँ, मैं इतना ज़्यादा टाइफाइड से परेशान हूँ। तो ये सारे लोगों को कमेंट पढ़ने के बाद मैंने आपके लिए एक ऐसा नुस्खा ढूंढ कर निकाला है जो ना तो आपको किसी ने बताया होगा ना ही आपको किसी भी और यूट्यूबर के चैनल पर मिलेगा। ये इतना ज़्यादा कमाल का नुस्खा है कि अगर आपने इसे एक बार पी लिया तो कितना भी पुराना टाइफाइड है आपका या आपको अभी 6 महीने से शुरू हुआ है, आपका हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। अगर टाइफाइड बिगड़ जाए यानी पुराना हो जाए तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आपका टाइफाइड ठीक कर दे। मैंने खुद ऐसे पेशेंट देखे हैं, मुझे इतने कमेंट आते हैं, आप चाहे तो मेरे चैनल पे वीडियो में जाके देख सकते हैं किस तरीके के लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि बहुत बहुत साल हो गए हैं टाइफाइड नहीं ठीक हो रहा है। होता है लेकिन 1-2 महीने के लिए होता है, फिर से उन्हें वही परेशानी हो जाती है। टाइफाइड जड़ से कभी भी नहीं जाता, पुराना होता रहता है फिर आगे होता रहता है। टाइफाइड होने से और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, भूख नहीं लगती है। टाइफाइड के कुछ ये भी लक्षण हैं कि जब टाइफाइड होता है तो आपको खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, आपकी पिंडलियों में टांगों में हल्की हल्की सी ठंड लगती रहती है, शरीर में दर्द रहता है, बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती है, काम में मन नहीं लगता है, और भी बहुत सारे लक्षण हैं जिनको टाइफाइड हुआ है वो जान सकते हैं। टाइफाइड तो किसी को भी ना हो, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, अगर हो जाए तो उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत सारे लोगों की इससे डेथ भी हो जाती है। तो चलिए बातें बातें काफ़ी हो गई हैं तो अब मैं आपको बता देती हूँ इसका इलाज की कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे ये जड़ से ख़त्म हो सकता है। वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, कमेंट में पूछेंगे लेकिन कमेंट का रिप्लाई करने में कभी कभी देर हो जाती है, मैं नहीं रीड कर पाती हूँ आपके कमेंट, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए इसकी टेंशन मत लें, लेकिन आपको आराम आना चाहिए, आपको सही से जानकारी मिलनी चाहिए, तभी मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा होगा। बहुत सारे लोग वीडियो देखकर ये भी कहेंगे कि कितना बकवास करती हो, कितना बोलती हो, शॉर्ट में भी तो बता सकती हो। मैं कैसे बताऊं शॉर्ट में जब मैंने ये सारी परेशानियां आप लोगों की सुनी हैं, मुझे कमेंट आ रहे हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अच्छे से आपको जानकारी दूँ ताकि आप समझ सकें और जो जो लोगों को परेशानियाँ आ रही हैं आपको भी पता चल सके। तो इसको बनाने के लिए देखिए हमें एक चीज़ लेनी है, ये है पीपल की छाल, यानी हम पंजाबी में इनू कहने पीपल दे साक, पीपल दे साक यानी पीपल की छाल। आपको कहीं जंगल में रोड किनारे या आप गांव में रहते हैं तो आपको मंदिर के आसपास कहीं पर भी पीपल का पेड़ मिल जाएगा, बड़ा सा जो पीपल का पेड़ होता है उसकी छाल को आपको किसी चीज़ से इस तरीके से उतार के ले आना है और उसके छोटे टुकड़े आपको करके तैयार कर लेने हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए और जान लीजिए, पीपल के पेड़ की छाल लानी है आपको, पत्ते वत्ते नहीं लाने हैं, छाल लाकर आपको इसे धोना वोना बिल्कुल भी नहीं, इसे छोटे टुकड़ों में काट लें। लानी कितनी है आपको, 1 किलो पीपल की छाल लानी है, 1 किलो से कम नहीं होनी चाहिए, हो सके तो थोड़े बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो चलेगा लेकिन 1 किलो से कम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने 1 किलो छाल ली है। अब हमें क्या करना है, एक बड़े बर्तन में आपको 2 लीटर पानी लेना है, तो मैंने यहाँ पर काफ़ी बड़ा भगोना लिया है, साफ़ पानी लेकर उसमें आप ये सारी पीपल की छाल डाल दें जो आप 1 किलो लेकर आए हैं, 1 किलो होनी चाहिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया है।
तो सारी बर्तन में डालने के बाद हमें क्या करना है कि इसको ढक देना है और इसको इतना हमें पकाना है कि 2 लीटर पानी 1 लीटर रह जाना चाहिए। तो मैं पकाकर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो 2 लीटर पानी है वो 1 लीटर रह चुका है, इतना सारा ये पक के तैयार हो गया है। इसका कलर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आएगा। तो अब मैं इसे छान लेती हूँ, छानने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो पीपल की छाल के काढ़े को मैंने एक बर्तन में छान लिया है। छानने के बाद जब ये हल्का कोसा रह जाए तो तभी आपको इसका सेवन करना है। इसको छानने के बाद आपको इसके 3 हिस्से करने हैं, यानी 1 लीटर आपका ये काढ़ा है तो इसको 3 हिस्सों में बांट लें, सुबह शाम और फिर अगले दिन आपको इसको लेना है। लेने का इसका बहुत ख़ास तरीका है, ध्यान से सुन लें। जब आप इसे 3 हिस्सों में करेंगे तो जो आपको पहला हिस्सा लेना है उसे आप खाना खाने के 1 घंटे बाद ले लें, या फिर आपने नाश्ता कोई किया है तो नाश्ता करने के 1 घंटे बाद ले लें। हल्का सा कोसा है ये, यानी रूम टेम्परेचर पर आ जाए और कोसा सा हो। आपको पानी वानी जो भी पीना है पहले पी लें, आधा घंटा इसको पीने से। इसको पीने के बाद पानी वानी कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खानी है। इसको पीने के बाद आपको क्या करना है कि आपको एक रूम में जाकर इसको पीना है, खुले में बाहर आंगन में या हवा चलती हो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पीना है। रूम में जाके पीने के बाद पंखा भी नहीं चलाना है और आपको घर में 1-2 रजाई या आपके घर में बड़े मोटे कंबल हैं, कितनी भी गर्मी है इस बात की टेंशन मत लीजिए, आपको कंबल या फिर रजाई ओढ़कर आधे घंटे के लिए सोना है। अगर आप ऐसा करते हैं, मुँह अंदर ढक कर सोना है आधे घंटे के लिए, जब आप आधे घंटे के लिए सोएंगे इसको पीकर आपकी बॉडी में इतनी गर्मी आएगी, पसीना आएगा आपका, जितना पसीना आए आने दीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जितना ज़्यादा आप पसीना दिलाएंगे अपनी बॉडी को, सारा टाइफाइड आपका निकलकर बाहर आ जाएगा। अगर आपको दम ऐसा लगे कि हमारा हल्का सा दम घुट रहा है अंदर रजाई के, तो थोड़ी देर के लिए, आधा मिनट के लिए मुँह बाहर निकाल लें, फिर आप रजाई के अंदर कर लें। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि आधा घंटा हो सके तो 40 मिनट तक आप बड़े मोटे कंबल लें या रजाई लें, उसके अंदर ही रहें। जब आपको लगे कि हमारी बॉडी में बहुत पसीना आ गया है, गर्मी गर्मी हो गई है, उसके बाद भी आपको एक खास बात का ख्याल रखना है कि एकदम से रजाई उतार कर आपको बाहर नहीं आना है, नहीं तो आपकी बॉडी ठंडी गर्म हो जाएगी, बिल्कुल भी आराम नहीं आएगा। आधे घंटे के बाद जब बहुत सारा पसीना आ जाए, गर्मी गर्मी हो जाए आपको, तो धीरे से ब्लैंकेट या फिर रजाई हटाएं और कमरे में ही कुछ देर 15-20 मिनट के लिए बैठें, फिर आप हो सके तो बाहर आ सकते हैं, नहीं तो कमरे में थोड़ी देर के लिए रहें। पंखा बिल्कुल भी ऑन ना करें, ना ही एसी में रहें आप। उसके बाद आपको एक चीज़ और लेनी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पीपल की छाल का काढ़ा पीने के बाद आपको 1 बर्तन में 1 गिलास पानी डालना है, उसमें नॉर्मल जो हमारे घर में यूज़ होती है 1 चम्मच चाय पत्ती डाल दें, 1/2 चम्मच चीनी डाल दें और इसे 5 मिनट तक के लिए उबाल लें स्लो गैस पे। यानी आपको इसका कावा बना के तैयार करना है, बिना दूध का ये काढ़ा बनाना है, बिना दूध के यानी काली चाय भी आप इसको बोल सकते हैं। फिर उबालने के बाद इसे आप गिलास में छान लें और इसमें 1/2 लेमन निचोड़ दें। जब ये हल्की सी गुनगुनी रह जाए यानी कोसी रह जाए तो आप इसे पी लीजिए। आपको कब पीना है ये अच्छे से सुन लीजिए, जब आप पीपल की छाल का काढ़ा ले लें, आपकी बॉडी में पसीना आ जाए, आधे घंटे के बाद आप इस काली चाय को पी लीजिए, फिर वापस से रूम में चले जाइए, पंखा एसी बिल्कुल भी ऑन ना करें, 15-20 मिनट के बाद ऐसे ही रहें आप। और ऐसा ही आपको सुबह करना है जब आप पीपल की छाल का काढ़ा पिए, ऐसा ही शाम को, और जो तीसरी डोज बचेगी अगले दिन वैसा ही आपको फिर भी करना है। तो तीनों डोज जब आप लें तभी आपको इस तरीके के लेमन वाली काली चाय पीनी है। आप देखेंगे दोस्तों, गारंटी के साथ आपका 10 साल पुराना है, चाहे 20 साल पुराना है, कितना भी पुराना है, अगर आप लास्ट स्टेज पर भी आ गए हैं तो भी आपका पुराने से पुराना टाइफाइड ख़त्म हो जाएगा जड़ से, जो आज तक डॉक्टर भी नहीं कर पाए हैं। कितनी भी आपने दवाइयाँ कर ली है, देसी विदेशी अंग्रेजी सभी कुछ कर लिया है, फिर भी टाइफाइड नहीं ठीक हो रहा है, तो विश्वास के साथ करेंगे तो आपका 101% टाइफाइड जड़ से ख़त्म हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से लेना है। आधा घंटे से 40 मिनट तक आपको रज़ाई के अंदर रहना है, बॉडी को फुल पसीना दिलाना है आपको, तभी आपका ये काढ़ा असर करेगा, वरना बिल्कुल भी पीपल की छाल का काढ़ा असर नहीं करेगा। तो कोई भी हम देसी दवाइयाँ लेते हैं, उनके अपने अपने अलग तरीके होते हैं खाने के। तो अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका टाइफाइड हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो लोग परेशान हैं टाइफाइड से, महंगी लाखों की दवाइयाँ कर चुके हैं और किसी किसी के पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि बार बार टाइफाइड की महंगी दवाइयाँ कर सके, उन तक भी मेरी वीडियो पहुँचे, ताकि लोग फ्री में अपना इलाज करवा सकें और अपनी ज़िंदगी जो है वो आराम से जी सकें। देखिए, फ्री का इलाज है, एक भी पैसा आपका नहीं लगने वाला है। पीपल की छाल आपको बहुत आराम से मिल जाएगी, कहीं पर भी मिल जाएगी, फ्रेश ले लें तो अच्छा रहेगा। वैसे पंसारी की या आयुर्वेदिक शॉप पर भी आपको पीपल की छाल मिल जाती है, लेकिन उन्हें धूप में कैसे सुखाई है, वो काम करे ना करे, अगर आप फ्रेश लेते हैं पेड़ की छाल तो आपको बहुत ही फायदा करेगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूँ। थैंक यू।